अगर आपने अपनी वॉइस पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, ऑडियो पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा है, तो उसे जूम कर लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से आगे कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। अब एक बार आपको सुना देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे करें, तो इस तरह से देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। ये वीडियो मैं स्पेशली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास बड़े बड़े सेटअप, लैपटॉप या पीसी, या आपने जो सॉन्ग गाने का जो रिकॉर्ड सेटअप है वो नहीं है, आप मोबाइल है आपके पास लेकिन आप करना चाहते हैं, आपके पास जुनून है कि मैं यार कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, पैसे नहीं है, घर वाले पैसे नहीं देते या घर में पैसे ही नहीं है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देख लेना। आप सॉन्ग मिक्सिंग कैसे कर सकते हो उसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन ये वाली ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें आप हर चीज वो कर सकते हो जो एक प्रोफेशनल तरीके के सॉन्ग रिकॉर्ड सेटअप होते हैं, वो लेबल जो करते हैं, आप घर बैठे वो चीजें कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको, कोई भी चीज स्किप मत कर देना, क्योंकि स्किप करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, यानी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आपसे छूट जाए। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना, ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, उसमें आप सारी चीजें सीख जाओगे गाइस। तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आपको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो और आप सीख के जाओगे यहाँ से कुछ। अगर आप लगता है कि आप कुछ सीख के जा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिख के जाना गाइस, अभी नहीं, वीडियो एंड तक देखने के बाद कमेंट में जरूर लिख के जाना आप कुछ सीखे हो तो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अपने चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है बोया माई के ट्राइपोड का, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, वो वीडियो आप जाके जरूर से वॉच कर लेना, क्योंकि आप में से किसी एक भाई को ट्राइपोड या बोया माइक मिल सकता है गाइस। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने अपने चैनल पे ऑडियो कैसे मिक्सिंग कर सकते हो इसके ऊपर ये वीडियो बना रखी है पहले, और ये तो बना ही रहा हूं मैंने, अपने वोकल जो साउंड है हम किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से घर पर ही बिना किसी बैकग्राउंड नॉइस को आए हुए, यानी कोई भी नॉइस नहीं आएगा बैकग्राउंड में, आप किस तरह से वो चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। और एक वीडियो और बना रखी है मैंने जिसमें आप अपनी म्यूजिक की, यानी अपने खुद के सॉन्ग की वीडियो एडिट कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ये सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आपको जगह जगह आई बटन पे मिल जाएंगी, आप जाके विजिट जरूर कर लेना गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो गाइस आप अगर यूट्यूबर हो तो आपको पता होगा या आपके मोबाइल में पहले से ही वो एप्लीकेशन पड़ी होगी जिसका नाम है किने मास्टर। आप ये कहोगे मेरे से कि भाई किने मास्टर तो वीडियो एडिटिंग के काम आता है, हम इससे ऑडियो मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आपका भाई यहाँ बैठा है, आपका भाई आपको बताएगा कि आप मोबाइल से ही कैसे घर बैठे अपने सॉन्ग को मिक्सिंग कर सकते हो या अपनी ऑडियो वोकल जो रिकॉर्ड कर रखे है उसको कैसे मिक्सिंग कर सकते हो गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए पहले डाउनलोड कर लीजिए आप किने मास्टर, उसके बाद में हम मिलते हैं, या कोई भी ऐसा वीडियो एडिटर आपके पास होगा तो उसको ले लीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किने मास्टर ओपन कर लिया है, आप कोई भी किने मास्टर या वीडियो एडिटर यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा आपसे कि आप किने मास्टर ही यूज़ करें गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको एक ब्लैंक इस तरह से ब्लैंक पेज ले लेना है, इसे इस तरह से बड़ा कर देना है जितना मतलब आपका, और यहाँ पे नीचे की साइड में आप ऑडियो पे जाओगे, जो भी आपका म्यूज़िक होगा यानी जो सॉन्ग का म्यूज़िक होता है वो ले लेना है आपको। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये ले लिया मैं, इसका यहाँ पे कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो जो कि एडिटिंग के टाइम पे आपको काम आएगा। ये कम ज़्यादा हो गया, यहाँ से इतना कर लिया मैंने 31, और आपको एक बार सुना देता हूँ मैं, तो ये कम हो गया, ठीक है। अब इसी के नीचे गाइज, इसी के नीचे अगर आपने अपनी वॉइस पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, ऑडियो पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा है, तो आपको क्या करना है, मैं इसे थोड़ा और जैसे बड़ा इतना ही रहने देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने कोई पहले से ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है, तो ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी है आपने, आपको यहीं से ले लेनी है वो, ठीक है। यहाँ पे जाके फोल्डर आ जाएंगे आपके, जिस भी फोल्डर में होगी वहाँ से ले लेनी है, नहीं तो आप यहीं से भी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो।
अगर आपको अच्छी और क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करनी है भाई, वीडियो मिल जाएगी आई बटन पे, जाके उसे वॉच कर लेना कैसे अपने ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहीं पे ही रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ, ये रिकॉर्ड है, ये बॉबी जी, मैं हूँ देसी हिप हॉप। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे तो आपको म्यूज़िक का जो म्यूज़िक है उसकी आवाज़ नहीं आएगी, तो आपको वो अलग से कर लेनी है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे मिल जाएगी आपको। जैसे एक बार मैं प्ले कर देता हूँ ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है कितना अच्छा लग रहा है। तो आप, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको अपनी वॉइस है जो, जैसे आपको लग रहा है कि ये वॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा मेरा सॉन्ग, तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। कहीं कहीं आपको लेफ़्ट राइट पे रखनी है, तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट ये पिच सारी है यहाँ पे करने के लिए ये, लेकिन ये वाली लेफ़्ट राइट वाली मत छेड़ना बिल्कुल भी, आप बस ये वॉल्यूम की ही छेड़ना। अब दूसरी है, जैसे इसकी आपको लग रहा है कि वॉइस कम है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये रहा म्यूज ऑडियो का ऑप्शन, इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे मैंने 108 कर लिया, यहाँ से बैक आ जाता हूँ, फिर आपको एक बार सुना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे गाइस। अब एक चीज़, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैम्पल और क्रिएट करता हूँ अलग। हाँ जी, की हाल चाल है आप सबके। तो जैसे मैंने ये किया यहाँ पे, अब आपको एक बार सुना देता हूँ मैं, हाँ जी की हाल चाल है आप सबके। तो ये है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें गाइस थोड़े से मैं ऑडियो में चेंजेस करूँ। जैसे आपने बहुत से तरीके के साउंड इफेक्ट्स देखे होंगे, तो ये वॉइस चेंजर का यहाँ ऑप्शन है, हाँ जी की हाल चाल है आप सबके। हाँ तो ये देखो कैसे एक अलग सा इफेक्ट जी लेके आता की है। हाल चाल है आप सबके। तो ये अलग से एक इफेक्ट लेके आ सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रियल वॉइस भी रहे, ये ओरिजिनल वॉइस भी रहे, और साथ में इसके पीछे हमारी वैसी वॉइस भी रहे, मतलब ये जो अभी मैंने चेंज करके दिखाई तो ये भी रहे। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ये लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स है ऊपर, डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। अब इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप वॉइस चेंज कर सकते हो। हाँ जी तो ठीक है, अब इसको हम जैसे मान लेते हैं, हम इसकी वॉइस को थोड़ा कम कर देते हैं और एक बार सुन के देखते हैं इसको कैसा लग रहा है। हाँ जी की हाल चाल है आप सबके। तो इसमें उसका भी इफेक्ट आएगा थोड़ा और इसका भी इफेक्ट आएगा। अब गाइज एक चीज़ मैं आपको और बताने चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग एक ही ऊपर की लेयर दूसरी लेयर होती है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कैसे, आप भी आपको बताता हूँ कि जैसे हम कोई चीज़ गा रहे हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे ये है, अब इसके पीछे आपने देखा होगा ये इस तरह की आवाज़ आती है पीछे से, तो वो कैसे कर सकते हो, इस पे क्लिक करो, ठीक है। नीचे जाओगे तो ये ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से स्प्लिट प्ले हेड कर दोगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे आके जितना भी एरिया आपको लेना है फिर से स्प्लिट प्ले हेड कर दोगे, इतना एरिया जैसे स्प्लिट प्ले हेड कर दिया, इस पर क्लिक करके हम लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड ये डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। अब इसे थोड़ा हम इस तरह से दोनों हाथों से जूम कर लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से आगे कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। अब एक बार आपको सुना देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे करें, तो इस तरह से देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, हाँ जी की हाल चाल है आप सब। तो इस तरह से अगर हमें चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो यहां पे आ जाएगा ये। हाँ जी की हाल चाल है आप सबके। देखो वो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, इसे मैं थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दूं तो आपको और सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे हाँ जी की हाल चाल है आप सबके। तो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। इसी तरीके से गाइस, इसी तरीके से अगर आपने पूरा अपना ये जैसे नीचे वाले ट्रैक है, इसी तरह का आपने ऑडियो अपना रिकॉर्ड कर रखा है पूरा, तो इसी तरह से बीच बीच में से कट कर करके जहाँ से आपको अच्छा लगता है, इस तरह से आप अपना म्यूज़िक है जो बना सकते हो, पूरा सॉन्ग रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप पूरा सॉन्ग, ये नीचे आपको ब्लैक भी दिख रहा होगा कुछ पार्ट इसका,
अब यहाँ पे ये ग्रीन भी दिख रहा है, तो आपको ये पूरा अपने सॉन्ग के बराबर ये लेयर है इस तरह से लेके चले जाना है, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हो गाइज, ये है कुछ फॉर्मूला आपको घर बैठे सॉन्ग मिक्सिंग करने का। यहाँ पे कितनी भी लेयर लगा दो, जैसे इसका भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर एक और मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो ऐसे आप लेयर पे लेयर, ठीक है, ये देखो आप लेयर पे लेयर लेके जा सकते हो और अपना सॉन्ग है वो रिकॉर्ड कर सकते हो गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज़ लाइक करके ज़रूर बताएं। मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए कि आप घर बैठे, आपके पास बजट नहीं है तो आप मोबाइल से किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो गाइज। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड हो गया, अब मैं एक बार आपको सुना के दिखा देता हूँ। देसी हिप हॉप, हाँ जी की हाल चाल है आप सबके, हाँ जी की हाल चाल है आप सबके, तो इस तरह से गाइस की हाल चाल है आप सबके। तो ये मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो इस तरह से आप कोई भी अपना सॉन्ग गाइस रिकॉर्ड कर सकते हो आसानी से। रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे मिक्सिंग कर सकते हो गाइस। तो गाइस यही है कुछ वीडियो में, आई होप आप समझ के हो गए। अगर कुछ भी डाउट लगता है आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, मैं वीडियो आपके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से फिर से बना दूंगा गाइज। तो आपको लगा है गाइज ये पूरा आपने कर लिया है, तो इसके बाद आपको ये सॉन्ग आपका रेडी हो गया, आपको ये एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से ये ऊपर शेयर का ऑप्शन है राइट में, तो यहाँ से जाके आप किसी भी फॉर्मेट में, ये आप 1080 पर ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इतना जाके आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट जैसे कर लिया मोबाइल में इसे सेव कर सकते हो। अब उसके बाद में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि इसे मैं यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड कर दूँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहीं से एक्सपोर्ट करके वीडियो फॉर्म में आ जाएगा, अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पर। या एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो इसका मैं म्यूज़िक ही रखूँ, तो आप यूट्यूब पर, आप प्ले स्टोर पर जाके कोई भी यानी MP3 वीडियो कन्वर्टर कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी जो वीडियो है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर कोई भी डाउनलोड करके आप अपने MP3 सॉन्ग को कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, इतना तो आप जानते ही होगे गाइस। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, आपने वीडियो देखी यहाँ तक, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इस तरीके से मेरे दोस्तों आप किसी भी फोन से किने मास्टर से घर बैठे ही अपने सॉन्ग को प्रोफेशनल तरीके से मिक्सिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, यहाँ पे इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी सिर्फ आपके लिए। और गाइज एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, गिव अवे में जरूर से पार्टिसिपेट कर लेना गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।